फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट कन्वर्जन टूल, कॉमन यूनिट कन्वर्जन चैप्टर वाइज, ट्रिक टू मेमोराइज कॉमन यूनिट और कुछ एग्जाम। अगर आप आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट गेट या जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो आपको कुछ चैप्टर्स की मैंडेटरी है यूनिट्स पता होनी चाहिए और उनका कन्वर्जन भी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन सभी चैप्टर्स की लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब तो होगा ही जिसे हम कॉमन यूनिट बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमें यूनिट की ज़रूरत है, गैसीय स्टेट में जो हमें यूनिट की ज़रूरत है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोमोल कंसेप्ट, हर एक चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर आपके साथ यूनिट कन्वर्जन डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ मैंने यहाँ पर यूनिट आपको मैंशन भी दे रखी है, मतलब पिक्चर फॉर्म में भी बना रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मे बी आपके एग्जाम में अभी एक साल पड़ा हो, आपके एग्जाम में 6 मंथ रह गए हैं, आपको ये जब वीडियो मिलती है तब से लेकर आप अपने एग्जाम का ड्यूरेशन देखिए 3 मंथ है या 1 मंथ है, आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि हमें यूनिट कन्वर्जन की बेस्ट वीडियो चाहिए या जो भी आप चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि आप पहले इस वीडियो का कंटेंट देख लीजिए कि मैं इसमें क्या क्या कवर कराने वाली हूँ। अगर आपका मेन टॉपिक इसमें है जिसका आप यूनिट कन्वर्जन देखने आए हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव और आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी जो भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल नोटबुक है या कोई थ्योरी की नोटबुक है या कुछ भी, इस वीडियो में मैं जो पढ़ाने वाली हूँ उसको 2 या 3 पेज पर नोट्स, शॉर्ट नोट बनाकर अपनी नोटबुक के पहले या दूसरे पेज पर लगा देना, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है। इससे आपकी जो न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस है, जो आप न्यूमेरिकल करने की आपकी एबिलिटी है, वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करने वाली है। सो यूनिट कन्वर्जन बहुत हेल्पफुल होगा। सो चलिए हम आपको पहले अपनी वीडियो का कंटेंट बता देते हैं, क्या क्या मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन मैंने स्टैंडर्ड यहाँ फोटो में दिखा रखे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मास, मास के बाद वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, मोल कंसेप्ट, टाइम कांस्टेंट एंड सम मिसलेनियस कुछ मैं यहाँ पर अदर भी डिस्कस करने वाली हूँ साथ ही साथ। तो ये सब तो मेरे आज के इस वीडियो में मुझे जो पढ़ाना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन्हीं यूनिट कन्वर्जन की तलाश में है, मतलब अब इन्हीं को सर्च कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इनके बारे में मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। सो चलिए सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मेजर टूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन। अगर आप आईआईटी जेएम की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो या गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अपनी नोटबुक पर सबसे पहले लिखिए, ये आपको जो नजर आ रहे हैं दीज आर द कॉन्स्टेंट। मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कांस्टेंट याद होने चाहिए। हालांकि एग्जाम वाला आपको देता है बट यू विल बी नो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, आपको उसे देखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप पुट कर सकते हैं। जब भी कांस्टेंट को याद करो तो प्लीज उसकी यूनिट देखें। लाइक अगर मैं एएमयू की बात करूँ तो एएमयू की यूनिट किलोग्राम है, आप ग्राम में से अपने आप कवर कर सकते हैं, आपको ग्राम में कवर करना आता है आप इसे ग्राम में कर सकते हैं, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। थोड़ा थोड़ा यूनिट कन्वर्जन इस तरह से अप्लाई करना सीखिए। प्लैंक कांस्टेंट अगर जूल सेकंड में है तो क्या इसमें किसी और यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। बोहर रेडियस, ये यहाँ सब कांस्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कांस्टेंट की लिस्ट आपके पहले पेज पर, एक एक कांस्टेंट को आप अपने कॉपी पर लिखेंगे अपने हाथों से ताकि आपको याद भी हो जाए, क्लियर। उसके बाद कुछ प्रेशर की मैंने यहाँ पर यूनिट मेंशन कर रखी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको भी अपनी नोटबुक पर बना लेना। हालांकि ये सारे आपके हेल्पफुल नहीं है, जैसे आपके पास तो पास्कल का यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बार यूज़ करते हो, एटीएम यूज़ करते हो, टोर यूज़ करते हो, बाकी तो आप यूज़ नहीं करते। जो पीसीआई मतलब जिसे हम साई बोलते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच वाला, तो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते, आपके सिलेबस में ये 2 तो है ही नहीं, है ना, यही 4 हैं, तो इनको अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर से, मैं अपनी यूनिट कन्वर्जन की कहानी को स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फारेनहाइट में। अब देखिए आप ये कहेंगे कि कितना इजी पढ़ा रहे हैं, केल्विन की अगर मैं बात करती हूँ, केल्विन की अगर हम बात करेंगे तो आपका यूनिट अगर केल्विन में है तो मतलब आपको केल्विन में टेम्परेचर कवर करना है तो आप 273 ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। क्या कहा मैंने, 273 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देना। सपोज आपको उसने कहा 17 डिग्री सेल्सियस तो आप बहुत आसानी से 17 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या कर देना, 273 ऐड कर देना, आपका जो आंसर आएगा वो केल्विन में आंसर आएगा।
अब ठीक है, ये तो बहुत इजी है मैम। हाँ, अगर आपको क्या करना है, इसको दूसरा दूसरा वे भी हम इसका कर सकते हैं कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस के लिए जो भी आपका टेम्परेचर वहाँ गिवन होगा उसमें से 273 माइनस कर देना। पर अभी कुछ रिसेंटली एग्जाम्स में कुछ अलग ही देखने को मिलता है, वहाँ उन्होंने डिग्री सेल्सियस दिया ही नहीं। उन्होंने डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, एग्जामिनर ने क्या दे दिया, डिग्री फारेनहाइट दे दिया। और डिग्री फारेनहाइट को पहले डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, देन जाकर आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करें। इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ यहाँ कन्वर्जन लिखना चाहूंगी, अगर आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में जा रहे हैं तो ये अप्लाई करना है आपने, या आप डिग्री फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जा रहे हैं। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए लिखवा रही हूँ, 9/5 C+32। अगर यहां की बात करूं तो इसके लिए आ जाएगा 5/9 आएगा। यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, 5/9, दिस इज योर 5/9 फारेनहाइट -32। ठीक है, यहां पर आप इसको कुछ इस तरह से राइट करेंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्मूला है। तो टेम्परेचर के आज तक और भी बहुत सारे यूनिट है, ऐसा नहीं है कि इतने यूनिट है, और भी होते हैं, मतलब और इन द सेंस कि आपको हायर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखने को मिलेगा। जब आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ते हो ना, वहां पर आपको इनका थोड़ा सा और यूनिट मिलती है टेम्परेचर की। सो केल्विन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला केल्विन है, उसको कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, ये सब आपके कन्वर्जन है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसे अपनी नोटबुक पे लिख ले, फटाफट लिख ले, मैं आपको टाइम दे रही हूं। वीडियो को स्टॉप करो, या वैसे तो मैं वेट ही कर रही हूं कि आप लिख लो, क्योंकि आप लिखते नहीं हो ना लास्ट तक, लास्ट टाइम भी आपने नहीं लिखा था, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करवाऊंगी। अगर आप इसको ऐसे भी एक अगर लिखना चाहते हो, एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि, पर हाँ वैसे आप कर लोगे बच्चा, कि फारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस के बाद इसको केल्विन में कर लेना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक और इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, या एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, ये ध्यान रखना क्योंकि आजकल एग्जामिनर देने लग गया, पहले नहीं होता था ऐसा, पहले सेल्सियस मिलता था पर अभी फारेनहाइट में आने लग गया। जैसे आपको कहा गया कि 75 डिग्री फारेनहाइट को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। केल्विन के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर इन द फारेनहाइट, क्लियर, प्लस कर देना उसमें 459.67, और जो भी आंसर आएगा उसको इंटू कर देना 5/9 से। ऐसा आपको करना होगा। ठीक है, आप अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे आपका फारेनहाइट केल्विन में चेंज हो जाएगा, तो इसका आप यूज करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अगर अदरवाइज आप फारेनहाइट से सेल्सियस में चले जाना, सेल्सियस के बाद आप केल्विन में आ जाना, अदरवाइज ये मैंने एक और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता दिया। तो टेम्परेचर का सबसे ईजी, यानी कि केल्विन को सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन, केल्विन को फारेनहाइट, फारेनहाइट को केल्विन, किसी का भी इंटर कन्वर्जन आप यहाँ कर सकते हैं। इसे ही बोला जाता है इंटर कन्वर्जन। आई होप आपको इसने आपने सबने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट आता है मेरे पास लेंथ का यूनिट कन्वर्जन। देखिए, लेंथ के यूनिट कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, बेसिक सी आपको आता है, आपको हर बच्चे को पता होता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है आपको, जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हो, अगर न्यूमेरिकल में ना उसने डीएम लिखना स्टार्ट कर दिया, वो डीएम देना स्टार्ट कर रहा है, पर आप पढ़ते, आपको आप इस चीज के फेमिलर होते हो, आपको आदत होती है मीटर सेंटीमीटर के साथ खेलना, पर डेसीमीटर जैसे ही आए ना, आप अपने आप ही आंसर गलत करना शुरू कर देते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए अपनी नोटबुक पर, कि अगर ऐसा आता है तो हम ऐसा मतलब करेंगे। जैसे अगर उसने कहा कि 1 मेगा की बात कर दी, कभी कभी मेगा लिख देता है, मेगा नहीं लिखेगा ना, तो ऐसे लिख देगा 1 एम, 1 एम लिख रहा है, मतलब मीटर की यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, कैपिटल एम ऐसे लिख दो इसको, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, तो 10^6 मीटर की यहाँ पर बात हो रही है। अगर उसने लिख दिया 1 कैपिटल K और छोटा सा स्मॉल m किलोमीटर, जिसे आप कहते हैं 10^3 बात हो रही है यहाँ पर। अगर उसने कह दिया 1 HM लिख दिया, ठीक है, HM आपको लिख दिया, यानी हेक्टो, 10^2 की बात हो रही है। ठीक है, अगर उसने क्या कह दिया कि डेका, 1 DAM लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, डेका, डेका मतलब क्या, 10। उसके बाद अगर उसने कह दिया डेसी, यहां पर आप गलती खाते हो, 10^-1,
10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 मीटर हो जाएगा। यानी मेरे पास अगर मैं इसी के साथ एक कन्वर्जन, आप इस चीज के फैमिलियर हो जाओ कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है बच्चों, 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है, 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। यहीं से आया ये फॉर्मूला, इसका रेसिप्रोकल करना है एक बार। अगर इस फॉर्मूले को मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे, 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर, ठीक है। अगर मेरे को 1 मीटर चाहिए तो ये 10 उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 10 डेसीमीटर। तो बस ये काम करना होता हमें, यही हमारा सबसे वीक पॉइंट है। आप डेसीमीटर को देखकर अक्सर वहां पे डर जाते हो, ठीक है। तो इन चीजों से आपने डरना नहीं है, इनको देखो कैसे सीखते हैं इन चीजों को। डेसीमीटर आ गया, नहीं आपको एग्जामिनर ने दोनों छोटे छोटे एम लगा कर दे दिए, तो मिलीमीटर आ गया। मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 कर देना। सभी ये मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ सबको, अगर मीटर में कर दिया तो सेंटीमीटर का सबसे ऊपर कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, 1 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद वो कभी कभी क्या कर देता है, ऐसे लगा के दे देता है माइक्रो। इसका मतलब आपको पता है, माइक्रो माने तो 10 की पावर -6 मीटर। आजकल अगर आप सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल करते हो या फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो NM लगा देता है, यानी नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर। अगर वो PM लगाता है, PM कब लगाता है, वो P वाला वर्ड जब आप सॉलिड स्टेट करते हो, पिकोमीटर में देता है वो आपको सबसे ज़्यादा, 10 की पावर -12। अगर आप किसकी बात करोगे, न्यूक्लियस वाले चैप्टर की बात करते हो, रेडियो एक्टिविटी की बात करते हो, तो वहाँ FM में देता है वो आपको, ठीक है। वहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 की पावर -15 मीटर। तो वो क्या होता है कि हमें गलती हमारी कहाँ पर जाती है, हमने ये नॉर्मल सा आज तक जिंदगी में याद कर रखा है, ठीक है, नॉर्मल सा याद कर रखा है। अब चैप्टर अलग अलग होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो उसमें डील अलग अलग, आपको माइक्रो सब्जेक्ट के साथ डील करनी है, मैक्रो के साथ डील करनी है। सबसे छोटा क्या, न्यूक्लियस चैप्टर अगर आप पढ़ते हो, रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ रहे हो, तो वहाँ न्यूक्लियस का यूनिट तो यही बनेगा ना, उसको मैं बड़ी क्वांटिटी में नहीं कर सकती, समझ रहे हैं। अगर पिकोमीटर यानी सॉलिड स्टेट के अंदर की बात हो रही है, ये आप इसका यूज करते हो सॉलिड स्टेट चैप्टर में। नैनोमीटर कहाँ करते हो, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, स्पेक्ट्रा में आप इसका इस्तेमाल करते हो। माइक्रो वगैरह ये सब फेमिलर है इन चीजों के आप। और एक डेसीमीटर आप सबसे ज्यादा यूज करते हो गैसियस स्टेट में, और आप इसे देखकर डर जाते हो, पता नहीं DM का मतलब क्या था। बहुत ईजी है, इन यूनिट कन्वर्जन को अपनी नोटबुक के पहले पेज पे लिख लेना, जब भी सवाल आए आप इसको आराम से लिख सकते हैं। एक तो मैं भूल गई यहाँ पर, एंगस्ट्रम, द मेन एंगस्ट्रम भूल गई। एक एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -10 मीटर, ये मेरा एंगस्ट्रम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको पता है कहाँ यूज होता है, एटॉमिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, तो 1 लाइट ईयर एक डिस्टेंस होता है, और ये किसके इक्वल होता है, 9.5 × 10^15 मीटर, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनको याद रखनी है, इतना डिस्टेंस होता है, इतने हायर नहीं, मैं वही उनको मार्क करूंगी अब जो आपको याद रखने की जरूरत है, जिसे आपको पता होना चाहिए, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे 1 मीटर वाला हो गया, 1 मीटर, डेसीमीटर, मेगा, किलो, हेक्टो की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, ऐसे चाहे ना भी करे, डेका की भी बहुत कम पड़ती है। एक बार गैसियस स्टेट में इसका मैंने न्यूमेरिकल देखा अपनी जिंदगी में, मिलीमीटर की तो बहुत पड़ती है, डेसीमीटर की सबसे ज्यादा, ये तो पड़ते हैं, ये लास्ट वाले सबकी होती है, इसमें से एंगस्ट्रम की पड़ती है, लाइट ईयर की कभी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ है यूनिट कन्वर्जन मैंडेटरी जो आपको आनी चाहिए। आई थिंक आप अपनी नोटबुक पे इन्हें लिख लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक पे लिख लें, लेंथ के यूनिट कन्वर्जन, इससे और ऊपर कुछ नहीं है। अब आप पता कहाँ घबरा जाएंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन लिख दिया, आपको क्या करना पड़ गया, आपको जाना पड़ जाता है जी मीटर से माइक्रो में जाना चला गया। आपको कहा गया है कि भाई मीटर से माइक्रो में जाइए, कैसे जाएंगे, आप मेरी इस शीट को देखेंगे, आपको यहाँ नहीं मिलेगा मीटर से माइक्रो। बच्चों इस रिलेशन को ही देख लो, मतलब कैसे अपने आप बनाते हैं रिलेशन, लिखो 1 माइक्रो, ऐसे 1 माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर। मुझे 1 मीटर के लिए पूछ रहा है ना वो कि कितने माइक्रो के बराबर होगा, तो आप इसको ऐसे लिख दे, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/10^6 मीटर। अब 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है, 1 मीटर को यही रहने दो, और यहाँ आ जाएगा 10^6 माइक्रोमीटर। इसका उल्टा ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हैं, यू विल बी डू एनीथिंग। लाइक अगर आप यहाँ पर, आपने देखा होगा मैंने जैसे एक मीटर का तो बता दिया 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, यू फाइंड एनीथिंग। मैंने सेंटीमीटर का ऊपर बता दिया, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10^-2। क्लियर, शायद आपको लेंथ की यूनिट, आप इतना घबराने की जरूरत नहीं होती जितना आप घबरा जाते हो। जैसे उसने कह दिया 17 डेसीमीटर है, 17 डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब डेसीमीटर दे रखा है तो रिलेशन को बुला लो ना, डेसीमीटर और मीटर वाला, ये रहा। क्या लिखा है, आप लिखोगे मैम हमारे पास क्या होता है कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर 10 डेसीमीटर के, चाहिए कितने, 17 डेसीमीटर।
बड़ा यूनिटरी मेथड आप यहाँ यूज करो बच्चा, बहुत ही सिंपल काम है, यूनिटरी मेथड आप यूज करें। आप किसके लिए काम करो, एक डेसीमीटर के लिए वैल्यू निकाल दो। एक डेसीमीटर के लिए कैसे आ जाएगा, 1/10 मीटर। कितने डेसीमीटर हैं, 17 डेसीमीटर है, 17 है तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए कितना इजी काम है, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल काम है, करना कुछ नहीं है। ये देखो कि अच्छा डेसीमीटर को मीटर में करना है, वहां से अपना रिलेशन उठा ले, डेसीमीटर का मीटर के साथ रिलेशन, ये रखा हुआ है रिलेशन, लिख दिया मैंने रिलेशन ऐसे करके, ठीक है। अब मेरे को डेसीमीटर 1 चाहिए ना, क्योंकि मुझे 17 ये दे रखा है, तो 1 चाहिए, तो इसके लिए 10 नीचे भेज दिया, 1/10 मीटर इंटू 17 दे रखा था, 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप मैंने अपनी तरफ से आपका लेंथ का यूनिट कन्वर्जन क्लियर कर दिया। अगर क्लियर कर दिया है तो आप बता देना वीडियो के कमेंट में कि लेंथ क्लियर हो गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं एरिया। एरिया का यूनिट कन्वर्जन हमने सीखना है। एरिया क्या होता है, आप अभी अभी मिलकर आए हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है तो मैंने अगर इसको क्या किया, 1 मीटर ले लिया, और इसको भी क्या ले लिया, 1 मीटर, तो मेरा एरिया किस में आ जाएगा, 1 मीटर स्केयर में। इसे मैं क्या कहूंगी, 1 मीटर स्केयर। अच्छा अगर दूसरी तरफ मैं 1 मीटर की बजाय क्या ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 1 मिलीमीटर, तो यहाँ भी क्या लूंगी, 1 मिलीमीटर ले लिया। ऐसे ही तो करेंगे ना, तो मेरा एरिया किस में काउंट हो जाएगा, 1 मिलीमीटर स्केयर में काउंट हो जाएगा। ये भी ठीक है, पर अब इनमें कंपेयर करके तो बताओ हमें, आप इनको कंपेयर कैसे करेंगे। आप देखो कि 1 मीटर और 1 मिलीमीटर में क्या रिलेशन था, आपने देखा 1 मीटर एंड 1 मिलीमीटर, वेयर इज द रिलेशन, यहाँ था रिलेशन, ये रहा, ये रिलेशन है। तो इसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे कैसे करेंगे बच्चा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10^-3 मीटर। मेरे को 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है, 1 मीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10^3 मिलीमीटर। कम अगर उसका चेंज करते हैं, यहां तक बन गई बात। तो अभी देखो 1 मीटर को मिलीमीटर में करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10^3, दूसरी डायमेंशन को भी ऐसे ही करना पड़ेगा चेंज, 10^3, और ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपको मिल गया कि 1 मीटर स्केयर, दिस वन इक्वल टू किसके इक्वल बच्चा, 10^6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10^6 मिलीमीटर स्केयर। ऐसे काम करना होता है, बहुत ही आराम से आप इनके आंसर अपने आप निकाल सकते हो, कुछ भी याद नहीं करना होता आपको, बेसिक बातें याद है ना, सिर्फ लेंथ लेंथ याद है ना। अगर आप एरिया लेंथ वॉल्यूम में घबराते हो ना, तो बस लेंथ लेंथ को याद कर लो, और याद करना बहुत आसान है, सबको पता होता है मिली का मतलब छोटा होता है, आपका ये रिलेशन आ जाएगा इस तरह से। अब मैं कुछ रिलेशन लिखूंगी, आप अपने आप डराइव करके देखना, ठीक है बच्चों, आप अपने आप डराइव करके देखना। अच्छा इसका उल्टा कैसे लिख देंगे, ये बन गया, अगर आपको मिलीमीटर स्केयर में दे रखा है, मीटर में करना, तो 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स वेरी वेरी इजी। सिमिलरली आप 1 सेंटीमीटर के साथ कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्केयर इक्वल टू 100 आ जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, मिलीमीटर स्केयर आ सकता है, 100 मिलीमीटर स्केयर आ जाएगा। अगर मीटर में करना होगा तो मैं कर दूंगी 10^ आप अपने आप डराइव करके देखना, आपसे डराइव होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, 10^4 सेंटीमीटर स्केयर। क्लियर, कुछ इस तरह से आप इनमें से वैल्यू निकाल सकते हैं, और बहुत इजी है, सारे रिलेशन एक ही बात कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ये वाला मेथड अगर सीख लिया तो आप आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अलग से होते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर की बात पूछ लेता है कभी कभी हमसे कि 1 हेक्टेयर था, वैसे इतना बड़ा पूछेगा नहीं, मैक्रो इतना बड़ा पूछता नहीं है, तो इतना होता है 1 हेक्टेयर, ये आपको वैसे स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, ठीक है, 1 हेक्टेयर इतना होता है। सो एरिया के यूनिट कन्वर्जन अब कितने आसान हो गए बच्चा, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं और मीटर से मिलीमीटर में कैसे जाते हैं, ये आ गया, उसके बाद तो मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, नोट डाउन जरूर कर लेना। अब मास की बारी आती है, मास को कैसे करते हैं, देखो मास का हम फैमिलर हो चुके हैं किलोग्राम में, हम हर चीज को किलोग्राम के अंदर फैमिलर हो चुके हैं, पर जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में 1 किलोग्राम तो बहुत ही कम सुनने को मिलता है, जनरली आपको क्या मिलता है, ग्राम में मिलता है, इतने ग्राम ये ले लिया, इतने ग्राम वो ले लिया। कभी कभी एग्जामिनर आपसे अगर पूछ ले 1 पाउंड पूछ ले, वैसे तो आज तक पूछा नहीं है, ठीक है, इतना कोई पूछा नहीं है, 0.454 किलोग्राम होता है 1 पाउंड, लिख देती हूँ कि कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ गई या उसने करवाना स्टार्ट कर दिया कन्वर्जन लास्ट में आंसर के लिए, तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है, ठीक है। ये सब कैसे देखो 100 किलोग्राम है, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम पुट कर दो, तो 2 ये और 3 ये 5 जीरोस आ जाएंगी। मेट्रिक टन में पूछ लेता है कभी, तो मेट्रिक टन कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है, मेट्रिक टन का मतलब है 1000 किलो, 1000 किलो का मतलब क्या, 10^6 ग्राम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से यूनिट होते हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है, सबसे ज़्यादा बेसिक यही है। मास में क्या करते हो आप, किलोग्राम को ग्राम में करोगे, मिलीग्राम में कर देंगे जी, आप किलोग्राम को ग्राम में करोगे या फिर मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है।
एक आता है एक ए एम यू वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि आप सबसे ज्यादा गलत करते हो। बच्चा मैंने आपसे कहा कि बच्चा मास ऑफ, हमें बताओ ऑक्सीजन कितना है, मैंने ऑक्सीजन एटम का मास पूछा आपसे, आप फटाफट मुझे क्या कहेंगे, मैम 16 है। आप ये क्या देते हो, 16 है। 16 क्या है? वो जो 16 होता है ना वो ए एम यू होता है, आपको जो मास मिलता है वो 16 एम यू। जैसे मैंने कहा बच्चे मास ऑफ नाइट्रोजन गैस बता, मैंने कहा मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो आप क्या कहेंगे कि मैम मास ऑफ नाइट्रोजन जो गैस होती है यानी N2 की बात हो रही है, तो 14 प्लस 14 करेंगे, इसमें 14 एंड 14 कितना आएगा, 28 ग्राम लिखने की कोशिश करते हो। असल में आप वो करना क्या होता है, वहाँ पे हमें ए एम यू में कन्वर्ट करना होता है। ए एम यू के लिए कन्वर्ट कैसे होगा, ए एम यू में ए एम यू होता है, यहाँ पर ए एम यू को आपको ग्राम में कन्वर्ट कैसे करना होगा देखिए। अब यहाँ पर आप इसके लिए बड़ा सिंपल करेंगे, आपके जो मास आता है वो ए एम यू में आता है और आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। बड़ा सिंपली बच्चे मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1.66 × 10⁻²⁴ अगर ग्राम में करना है, पर कभी कभी किलोग्राम में करना पड़ जाता है, तो 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम कर देना। ये दो इतने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कहाँ यूज होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हो आप जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे होते हैं, वहां पर आपको निकालना होता है बी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया रिड्यूस्ड मास। जब भी रिड्यूस्ड मास निकालना होता है तो हमें ये करना है, हर बार नहीं करना है, ये काफी कन्वर्जन में तो करना भी नहीं होता, ये कभी हर जगह करो, जहां जरूरत होती है, जहां पर आपको मास लिखना होता है किसके अंदर, ग्राम में या किलोग्राम में, तब आप ऐसा करेंगे, हर जगह ग्राम और किलोग्राम में नहीं, क्योंकि काफी जगह वो ए एम यू में ही काम करवाता है तो हमें ए एम यू में ही लेना पड़ता है। सो मास की यूनिट कन्वर्जन तो यही बनेगी, इससे ज्यादा आप और कोई यूनिट कन्वर्जन है नहीं, और अगर आप लिख रहे हो तो उसे फटाफट लिख ले। अगर आप मिलीग्राम वाला भी लिखना चाहें, मैंने लिखा नहीं ना शायद, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम, और अगर इसका दूसरा रिवर्स तरीके से करते हैं तो 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 10³ मिलीग्राम के इक्वल हो जाएगा। मिली का मतलब तो ये होता है ना, इस तरह से बना सकते हैं आप कन्वर्जन। तो आपका कन्वर्जन बनाना आपके हाथ में है, बहुत ईजी है कन्वर्जन कन्वर्ट करना। सो मास क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, मैं अपनी तरफ से तो हर पार्ट कन्वर्ट करवा रही हूँ, मास हो गया, तो उसके बाद बारी आएगी वॉल्यूम की। अब देखिए वॉल्यूम के लिए आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लेंगे, सबसे पहले पानी का टैंक आप सबने देखा है, आप सबने पानी का टैंक देखा है, पानी की टंकी देखी है सबने, है ना, और एक आपने देखा होगा जो डॉक्टर के पास इंजेक्शन होता है ना, डॉक्टर जो इंजेक्शन का यूज करता है, ठीक है, इस तरह से इंजेक्शन होता है, अभी बना नहीं रही मैं, उसके आगे ऐसे सिरिंज लगी होती है, छोटी सी सुई लगी होती है, उस सुई के अंदर ही तो हमारी मेडिसिन जाती है, वो जो हमारा मतलब मेडिसिन जो भी होती है उसके अंदर ही जाती है। आप इन दोनों को याद रखिएगा, इनसे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। पानी की टंकी होती है, पानी की जो टंकी होती है उसको क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, और पानी कैसे कहते हैं, कहते हैं 1000 लीटर की टंकी है, हमें कहा जाता है कि जो हमारे घर में पानी की टंकी है वो 1000 की है 2000 लीटर की, ऐसे बोला जाता है। अब पानी का टैंक 1000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर का मतलब वॉल्यूम सोचो क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपके पास 3 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, आपका हाइट होता है, इन 3 चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये 1000 लीटर कैसे बना होगा, आपके पास 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ रही होगी, ठीक है, 1 मीटर आपके पास क्या होगी, लेंथ हो जाएगी, दूसरी बात 1 मीटर आपकी ब्रेथ हो जाएगी, 1 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मीटर क्यूब बनता है, यानी 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 लीटर के, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 लीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से इनको समझते हैं, सारी यूनिट कन्वर्जन को समझेंगे। इसका अगर रिवर्स लिखना हो 1 लीटर की अगर मैं बात करूँ तो बस इसको रेसिप्रोकल ऐसे कर देंगे। अब आपको ये चीज़ तो आ गई है ना करनी, ये चीज़ तो आपको आ गई है करनी कि इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और कुछ नहीं करना हमने, समझ में आया। 1 मीटर लेंथ है उसकी, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और अगर इसका रेसिप्रोकल करना है तो लीटर को यहीं रहने दूंगी, 1000 को नीचे ले आऊंगी, तो बस बन गया। इसी तरह आप आगे करते हैं, इसी तरह आप वो जो मैं डॉक्टर की सिरिंज बता रही थी वो कितनी होती है, वो 1 ml की होती है, उसमें 1 ml मेडिसिन जाती है। 1 ml मेडिसिन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अगर आपको 1 ml मेडिसिन चाहिए, मतलब मिली उसमें चाहिए, मिली में
1 मिलीलीटर जिसे आप बोलते हैं, 1 मिलीलीटर के लिए अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर यूनिट यूज करेंगे। वहां पर क्या होता है, आपका सब 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट होती है, सब कुछ 1-1 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो लगभग आपका 1 मिलीलीटर के इक्वल आप ऐसा लिख सकते हैं। यू विल बी राइट दैट, जैसे मैंने यहाँ पर पानी के टंकी वाला बता दिया, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अगर इसको और सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो आप लिखेंगे 10^-6 m³ लिख सकते हो। आप इसे 10^-6 m³ लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को। ये सारे यूनिट कन्वर्जन वैसे ही बने, आप सोच कर देखिए, मिलीलीटर है, मिलीलीटर और लीटर में क्या होता है, देखो 1 लीटर होता है, और अगर एक मैं मिलीलीटर की बात करूँ क्या होता है, 1000 का ही तो डिफरेंस है, इनके बीच में क्या होता है 1000। 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चा, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो ये वाले यूनिट कन्वर्जन का इस्तेमाल यहाँ करो। आप यहाँ कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे कि 10^-3, एक यूनिट कन्वर्जन और बन गया आपका, देखो 10^-3 आपका बन जाएगा लीटर बन जाएगा। देखो एक यूनिट कन्वर्जन अपने आप बन गया हमारा 10^-3 लीटर। फिर लीटर को देखो, 1 लीटर को मीटर में कैसे करना है, 10^-3 एक और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 10^-6 बन गया। तो सेंटीमीटर के देखो कितने आसानी से यूनिट कन्वर्जन हो रहे हैं, और मैंने आपको मीटर के भी दिखाए हैं, कहाँ पे लिखे हैं मीटर के, मैंने लिखे ना 10^3 हो गया, ठीक है सारे लिखे गए। अब कहाँ प्रॉब्लम आती है, वही बात आती है कि जब डेसीमीटर आएगा ना हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब आपके पास डेसीमीटर आता है यू विल बी कन्फ्यूज। अब मैं डेसीमीटर के साथ ही आपको गेम खिलवाने वाली हूँ कि डेसीमीटर आएगा ना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल डेसीमीटर बहुत यूनिट देता है और आप डर जाते हो। देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर है आपको याद हो जाना चाहिए, 10 डेसीमीटर होते हैं। अगर मैं 1 मीटर क्यूब की बात करूंगी तो दोनों तरफ क्यों जाएगा, 10^3 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब को आप क्या बोलते हो, 1 मीटर क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं, देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर थे, कितने लीटर थे, 1000 लीटर थे। तो इसको जरा मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूंगी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 1 मीटर क्यूब मतलब कि 1000 लीटर किसके इक्वल आ गया, 10^3 डेसीमीटर क्यूब आ गया, क्लियर। अगर मेरे को 1 लीटर चाहिए तो ये 1000 इसके नीचे चला जाएगा, 10^3, और ये 100^3 कर दिया मैंने। आपके पास ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ये ऊपर 1000 है और एक नीचे वाला ले आई मैं, और यहाँ क्या चल रहा है, डेसीमीटर क्यूब। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास सबसे बेहतरीन रिलेशन आता है, 1 लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे बनाया आपके सामने मैंने, इनको बनाना पड़ता है, इनको याद करने से बेहतर है आप इन्हें बना लें बच्चा, इनको बना लीजिए अपने आप, बन जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लीटर इतने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आ गया। अगर आप एक और देख लो, एक बार और इसे समझने की कोशिश करें, 1 मीटर है किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। वॉल्यूम में सिर्फ यूज होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और लीटर और मिलीलीटर, 5 चीजें मिलीलीटर। मैंने जिसमें डेसीमीटर वाला दिखा दिया, मैं सेंटीमीटर वाला दिखाने जा रही हूँ। 1 मीटर क्यूब लिखना है तो मैं लिखूंगी मीटर क्यूब, और यहां मैं लिख दूंगी बच्चा कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी, 100^3 करनी पड़ जाएगी यहाँ पे, और इधर भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब मीटर क्यूब को कहाँ लिख रखा है, ये रहा 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है, तो इसको मैं लिखूंगी 100 लीटर इक्वल टू 100^3 और इंटू में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यहाँ 1 लीटर की वैल्यू निकालूंगी तो कैसे लिखूंगी, 100, 3 बार लिखना है तो 3 बार लिख दो आप ऐसे। बहुत बेसिक यूनिट कन्वर्जन हो रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ मैथ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आपका आंसर आएगा कि 1 जो लीटर होता है ना वो किसके इक्वल है बच्चे, 1 लीटर इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब के। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। और ये रिलेशन कहाँ प्रूव कर रखा है हमने, ये प्रूव कर रखा है देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसी का रिवर्स है। अगर 1 लीटर 10^3 है तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10^-3, इसी का रेसिप्रोकल। तो यूनिट कन्वर्जन को याद करने के बजाय इनको समझकर देखिए कितने आसानी से बन रहे हैं, ये कितने इजीली बन रहे हैं बच्चा, आप बनाकर देखिए, आप खुद भी अपने हाथों से बनाकर देखिएगा, आपसे होने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इसको एक बार और लिख लो फाइनल, ये क्या होगा, इसको एक यहाँ मैं लिख देती हूँ लाइन बनाकर लिख देती हूँ, तो आप यहाँ लाइन बनाकर लिखिए कि 10^3, वैसे इनको मैं वही कहती हूँ कि इनको याद मत करो, अपने आप बना बना कर देखो कि कैसे बनते हैं, अपने आप बना बना कर देखोगे तो आपसे बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब और 10^-3 मीटर क्यूब,
क्लियर। अगर मैं इधर बात करती हूँ तो 1 ml ये बड़ी यूनिट्स लिखी है, मैं छोटी लिख रही हूँ 10 के पावर -3। देखो एक ट्रिक भी है छोटी सी बताने के लिए, यहाँ 1 cm³ है और यहाँ आपका जाएगा 10 की पावर -6 m³, -6। देखो इस यूनिट में मैंने क्या किया, एक ऊपर यूनिट लिख रखी है और ये किसके इक्वल होती है, 1 लीटर के बराबर होती है। 1 लीटर, 1 लीटर की सारी यूनिट ऐसी है, पहले मिलीलीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। क्या कहा है हमने, एक यहाँ पर शायद गलती होगी, माइनस आएगा, -3। 1 लीटर है, पहले मिलीलीटर है, फिर डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मीटर है। मिलीलीटर में भी पहले डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मीटर है। बस क्या चेंज किया है, यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया है। यहाँ से आने के लिए ना मैंने एक यहाँ सिर्फ 1000 से डिवाइड किया। आप देखिए 1000 से डिवाइड किया है, 1000 से ऊपर वाली इक्वेशन को 1000 से डिवाइड करो, नीचे वाली अपने आप बन जाएगी। और ये सारे यूनिट कन्वर्जन ऐसे ही होते हैं, आप इनको इनसे डरो मत, आप खुद बनाकर देखिए कि मैं मीटर से डेसीमीटर में जा सकती हूँ। यह लीटर को डेसीमीटर में किया आपने, मीटर को डेसीमीटर में यहाँ कर रखा था। बहुत इजी है जी बच्चा, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आपका आपको खुद ही बेनिफिट लगेगा। पर फॉरएवर याद रखिए, इनको कभी भी क्रैम मत करो कि 1 लीटर में इतने डेसीमीटर क्यूब हैं, इतने सेंटीमीटर है, कभी याद नहीं रहते, कभी नहीं याद रहते ये, आप हमेशा गलती कर बैठेंगे। आप बनाकर देख लो फटाफट कितना टाइम लगता है, एक में अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना बार बार करने की, बार बार करने की, 2 या 3 सेकंड में फटाफट बनाकर देख लेंगे इस चीज को। यही तो बनाना है जो मैं बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स आपने पढ़ रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्स की ऐसा यूनिट आपने पढ़ रखी है, न्यूटन होती है। अगर फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस वाली, वो कितनी होती है, डाइन्स होती है। दिस इज योर डाइन, और 1 न्यूटन आपने बहुत बार क्लास प्लस वन में डेराइव किया होगा, 1 न्यूटन इतने डाइन के। तो ये ना यूज होता है, ये आपका गैसियस स्टेट में भी यूज होता है और इसका आप इस्तेमाल करते हो थर्मोडायनेमिक्स में भी, इसका आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसकी ना ज़रूरत पड़ती है, मैंने इसलिए यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ, 1 न्यूटन इसके इक्वल होता है। अच्छा, बाकी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक इसकी यूनिट ये भी बन जाती है, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्केयर, ये भी इसकी यूनिट बन जाती है किलोग्राम में। अच्छा, अगर मुझे इसे ग्राम में करना होगा तो मैं ग्राम के लिए क्या करूंगी बच्चा, मैं करूंगी 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। फिर मीटर को भी तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ गया सेंटीमीटर सेकंड का, तो वही रहेगा टाइम। तो फिर ये देखो ऑटोमेटिकली बन गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो यही आपका एक डाइन, इसे ही एक डाइन बोलते हैं, इसे एक न्यूटन बोलते हैं, इसको एक न्यूटन बोला जाता है। तो शायद आपको छोटा छोटा यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा है कि कैसे इनको समझा जाता है। ये यूनिट कन्वर्जन है हमारे फोर्स के लिए। उसके बाद आता है प्रेशर, द मेजर यूनिट कन्वर्जन, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। प्रेशर का सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन में। देखिए बनाते हैं ऐसे, इसके यूनिट कन्वर्जन को समझेंगे। जब हम प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन समझते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपको सबको पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, अभी बनाकर आए हम, एरिया का यूनिट मीटर होता है, मीटर स्केयर सॉरी। तो आपका एक यूनिट बन गया 1 न्यूटन मीटर स्केयर। एक आपने और यूनिट कन्वर्जन किया था न्यूटन का, न्यूटन का एक यूनिट कन्वर्जन ये रहा, तो ये भी आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, इसको भी पुट कर दो। अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो अभी अभी आपने किया, करके देख लीजिए आप, इसका -2 लिख देना है यहाँ पे। न्यूटन को आपने क्या लिखा है, यू विल बी राइट दैट 1 किलोग्राम, अगर मैं न्यूटन की जगह ये यूज करती हूँ, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और एक आपका मीटर पहले से ही है, तो ये बन जाएगा 1 किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1। ये आपका एक और यूनिट कन्वर्जन बन गया। बनाना पड़ेगा आपको अपने आप बनाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद हम अगले यूनिट कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसका एक और यूनिट आता है, क्योंकि ये इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा यूनिट जो मैं इसकी बात करती हूँ वो पास्कल होता है। दिस इज योर पास्कल, वो आपका क्या होता है बच्चे, पास्कल होता है। एक जो हम बात करते हैं वो क्या होता है, पास्कल। अब पास्कल किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रेशर की यूनिट में कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैंने कहा 1 पास्कल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पास्कल की अगर हम बात करते हैं, 1 पास्कल, पास्कल का जो यूनिट है वो बिल्कुल ये वाला यूनिट है, लिख दिया आपने सिंपल सा यूनिट, आपने ऐसे लिख दिया। फिर इसका एक और यूनिट आता है, वो वाला यूनिट क्या होता है इसका, एटमोसफेयर। तो मैंने 1 एटमोसफेयर लिखने की कोशिश करी है, मैंने लिखा 1 एटमोसफेयर। 1 एटमोसफेयर किसके इक्वल होता है, 1 एटमोसफेयर आपका किसके इक्वल होता है बच्चे, 101325 पास्कल के। इतने सारे पास्कल के इक्वल होता है, इतने सारे पास्कल के इक्वल है। इसको लिखने के तरीके और बताऊं क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे कि 101
0.325 इनटू में क्या कर दो बच्चा, इनटू में 10 की पावर 3 कर दो, हजार से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हजार पॉइंट में वही पॉइंट वाला, ऐसा भी आप कर सकते हो, ये तब भी पास्कल के इक्वल बनकर रहेगा, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, और मैं इसको क्या पता जीरो से मतलब पॉइंटों में, और ऐसे लिख सकती हूँ 0.1013। तो आप जब न्यूमेरिकल करते हो ना अपनी बुक में, आपकी बुक में कभी कभी ऐसे लिख के दे देते हैं, आप डर जाते हो कि ये पता नहीं कैसे पास्कल आ गया, कि वन एटमोसफियर इतने पास्कल के इक्वल आ सकता है, इसको ही तो लिख रखा है उसने, क्या किया 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई एंड 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दिया, बस इसी को ना फिर वो कन्वर्ट कर लेता है, इसी चीज को बच्चों इसी को करता है वो कन्वर्ट। इसको कैसे कन्वर्ट कर लेगा, लिख लेगा, कहेगा कि अच्छा 10 की पावर 6 तो मेगा होती है, तो वो ऐसे लिख देता है फिर 0.101325 और 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा, और इसको हमने लिख दिया बच्चे पास्कल, मेगा पास्कल बन गया ये। इसको फिर और क्या कन्वर्ट करेगा कि मेगा पास्कल तो बन ही गया, और इसको क्या कर सकता है, ये तो मेगा पास्कल हो गया, इससे मैंने मेगा पास्कल बना दिया, ऊपर एक और बनाकर देख लेते हैं इससे, एक और क्या कर सकता है वो, ऊपर चलिए ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं कि 1.01325 इंटू 10 की पावर 5, और यहाँ क्या लिख दे, पास्कल लिख दे। यानी कि ये बात आई है आपके दिमाग में अब कि देखिए हम एक एटम को लेकर चल रहे थे, एक एटमोसफेयर को, वन एटमोसफेयर 1 × 10⁵ पास्कल, तो 1 इसका मतलब वैसे भी 1 ही है, तो वो इस सबको ना 1 ले लेता है, ये सारी कहानी को आप इसको और लिखो 1.01325 इतनी यूनिट कोई याद नहीं रखता, तो इसीलिए आपको बताया गया है कि भाई एक एटमोसफेयर 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, ऐसे लिखा जाता है बच्चों ने, बनाया इन्हें इस तरह से गया, देखो आपके सामने मैंने बनाकर दिखा दिया, आपको बनाकर दिखाया कि 10⁵ पास्कल के बराबर भी आप इसे लिख सकते हैं, कैसे बनाकर दिखाया है कि कैसे कैसे बनाना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैम हमने कभी बार भी पढ़ा था, तो अगर आप बार भी आपने पढ़ा ना, तो वो जो बार होता है वो भी किसके इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल के, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, लगभग होता है वैसे ये अप्रॉक्सीमेटली, इसका मतलब जब ये भी 10⁵ पास्कल के इक्वल है, ये भी 10⁵ पास्कल के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, कोई शक नहीं बच्चे, 1 atmosphere 1.01325 बार के इक्वल होता है, तो मैंने उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 ही लिख दिया। ये आपका सबसे खतरनाक मतलब इंपॉर्टेंट आपका कन्वर्जन है 3 to 5 वाला, सब कुछ इक्वल है एक नंबर के, एक नंबर याद होना चाहिए कि मेरे पास एक पास्कल का ये यूनिट है, एक एटमोसफेयर 10⁵ पास्कल के इक्वल है, और 10⁵ पास्कल किसके इक्वल है, एक बार के, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए, अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल रहते हैं। तो ये आपका प्रेशर का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका प्रेशर इससे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, टॉर में यूज़ करते हैं। हाँ आप कभी कभी कहेंगे कि मैम कभी कभी ना टॉर में भी यूज़ करना पड़ता है, तो 1 atmosphere क्या करते हैं बच्चा 760 टॉर लिखते हैं, ये अलग चीज़ है, ये थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। इसी तरह अगर मैं एक बार की बात करूँ, अब आप कहोगे मैम जब एक एटम आप लिख रहे हो कि एक एटम एक बार के बराबर है, थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, तो वो 1 अगर मेरे को 1 बार दे रखा है तो 750 टॉर पुट करना पड़ता है, फिर 750 टॉर, क्योंकि नियरली इक्वल है, मैं यहाँ से ऐसा बोल सकती हूँ कि एक एटमोसफेयर नियरली इक्वल टू द 1 बार है, तो वो नियरली की वजह से उसने 750 यहाँ पर उसे यूज़ करना पड़ा। अच्छा एक टॉर किसके इक्वल है मैम, कभी कभी ये भी पूछ ले कभी हमसे कोई, एक टॉर किसके इक्वल होता है बच्चे 1 mm ऑफ HG, मिलीमीटर ऑफ HG, उसकी जो हाइट होती है ना मरकरी की, उसके बराबर होता है। ये कुछ बेसिक से यूनिट कन्वर्जन है जो आपको यूज़ करने हैं प्रेशर के। अब मैं इसमें से कुछ हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे आपका सबसे मैंडेटरी जो मैंने ये लिख रखे हैं, ये वाले, ये जिनको मैंने बॉक्स में डाला है, ये जो बॉक्स में डाले ना, ये वाला बॉक्स हो गया, ये 1 atmosphere को आप 1 बार ले सकते हो, बट इसके वैसे नियरली इक्वल होता है, इनकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है गैसेस में। कैसे करना है आपके सामने पूरा प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन अपने, देखो बात ना फायदा तभी है जब आप भी मेरे साथ लिख रहे होंगे अपनी नोटबुक पे, सुनने में कोई फायदा नहीं है, सुनने में अच्छी लगेगी वीडियो, आप इसे लाइक भी कर देंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर फायदा आपको तब लगेगा जब आप क्या करेंगे इसको अपने हाथों से लिखेंगे ना, आपको तब ऑटोमेटिकली याद होगा। और मेरा मेन पर्पस यही है कि फॉरएवर के लिए ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरे को हर साल बच्चों का मैसेज आता है यूनिट कन्वर्जन, इस बार मैं कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ कि फॉरएवर मेरे को बार बार कराना ना पड़े, आप यहीं से इस चीज को सीख लें, ठीक है, इसी चीज को आप यहीं से सीख लेंगे। हाँ उसे नोट डाउन कर लें, सॉरी उसे नोट डाउन कर लें।
ओके सो प्रेशर डन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी. अब एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन डिस्कस करेंगे. देखिए एनर्जी का क्या होता है, अपने एनर्जी क्या कहते हो, आप एनर्जी क्या कहते हो, वर्क के ही लगभग बराबर है, हालांकि उसका वर्क की फॉर्म जिसे आप बोलते हैं, तो वर्क इज हाँ एनर्जी मतलब जो होती है वो वर्क की एक फॉर्म है. अच्छा तो वर्क के तो यूनिट जो कन्वर्जन होता है मैम वो जूल होता है, वर्क का जूल होता है तो एनर्जी का भी जूल होगा, बिल्कुल सही बात, इसका जूल होता है. आपको जो हमेशा याद रहता है ना वो 1 कैलोरी रहता है, 1 कैलोरी आपको याद रहता है 4.2 जूल के इक्वल होता है, लीटर लिख दिया सॉरी, 4.2 जूल के इक्वल होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होता है. ठीक है यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होता है. अगर मेरे पास किलो कैलोरी आ गया, ऐसे लिख के दे दिया, क्योंकि ये आता है जब आप काफी सारे एनर्जी तो देखो हर जगह इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो क्या लिखेंगे वहां पे 10 की पावर 3, मतलब 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज हो जाएंगी. और अगर मेरे को जूल में लिखना हो जाएगा तो मैं लिखूंगी 4.2 × 10 की पावर 3 जूल. और है कुछ नहीं, मैंने किया क्या है, 1 किलो में 10 की पावर 3 होता है और कैलोरी को जूल के लिए 4.2. आप इसमें भी वहां बैठ के कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं क्या करना था किलो कैलोरी के लिए, तो ऐसे करते हैं छोटे छोटे कन्वर्जन साइड में लिख रही हूँ. अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है. अब न्यूटन को मैंने अभी अभी लिखा था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और साथ में अब एक और मीटर आ गया, तो मेरा फाइनल यूनिट क्या बन गया, मेरा फाइनल यूनिट क्या बन गया, 1 न्यूटन की. मैंने गलत तो नहीं लिख दी, एक सेकेंड, मैं न्यूटन की मेरे को गलत लग रही है, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड, मीटर स्क्वायर नहीं था ना, गलत लिख दिया, हाँ मीटर स्क्वायर नहीं था, इसको ठीक कर लेना, ऐसे है अब ठीक है ना, वो मास, हाँ वो मेरे से गलत लिखा गया. अब मेरे पास इसकी यूनिट बन जाएगी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, ये आपकी यूनिट बन गई, किसकी बच्चा, वर्क की कहो या एनर्जी की कहो. और यही किसके इक्वल होता है, 1 जूल, 1 जूल आपका इसके इक्वल है, 1 जूल इज इक्वल टू दैट 1. या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, ऊपर वाली यूनिट यानी कि 1 न्यूटन मीटर के इक्वल भी यही चीज़ है, वो आपका 1 जूल इसके इक्वल भी है और 1 जूल इसके इक्वल भी है, ये सब आपस में इक्वल होता है, सब इक्वल है. देखिए ये एक आपका ये यूनिट कन्वर्जन बन गया जूल के लिए. उसके बाद और आपको जूल में क्या करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना होता. एक आपका जूल में कभी कभी एग्जामिनर आपको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, आजकल आपके साथ यही गेम खेली जाती है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है और आपको चेंज करना होता है उसे जूल में, क्योंकि आप तो सारा फॉर्मूला जूल में पढ़ रहे होते हैं. तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो कह रहा है वो कि इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 × 10⁻¹⁹ से अपनी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था उसको मल्टीप्लाई कर दो और आपको जूल में आंसर मिल जाएगा. या मैं इन शॉर्ट में लिख दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल है, ऐसे 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल है. एक ये यूनिट कन्वर्जन आपका यूज होता है. एंड द लास्ट वन, क्योंकि अगर आप जैम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अक्सर आपके साथ ऐसी गेम खेलता है, जूल को कन्वर्ट करना होता है आपको सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि वेव नंबर के अकॉर्डिंग, वेव नंबर के रिलेशन से, या सेंटीमीटर इनवर्स को स्पेक्ट्रास्कोपी के अंदर, फिजिकल स्पेक्ट्रास्कोपी में भी जूल में कन्वर्ट करना होता है. तो इसका रिलेशन याद रखिएगा, जूल के लिए आप करेंगे डिवाइड बाय एच सी और सेंटीमीटर के लिए आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय एच सी. बस जो भी आपको जूल में दे रखा होगा उसको एच सी से डिवाइड कर देना, एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट और सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट. इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको कांस्टेंट याद होनी चाहिए, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके सो हमारे पास ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है एनर्जी के, इससे ज़्यादा एनर्जी का कोई यूनिट कन्वर्जन हो ही नहीं सकता, यही होता है एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन, इससे ज़्यादा नहीं होता है एनर्जी में कुछ भी. क्या करना होता है, 1 जूल को न्यूटन मीटर में या किलोग्राम में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर में दे रखा होता है, किलो कैलरी वाला दे रखा होता है, तो इधर मैंने कन्वर्जन कर ही दिया. तो ये कुछ मेरे किसके यूनिट कन्वर्जन है, एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए. इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इन यूनिट कन्वर्जन को भी आप आसानी से कर सकते हैं. चलिए अब आगे चलते हैं. अच्छा एक एक आया मेरे को याद, चलो फिर वो मैं गैस कांस्टेंट के साथ ही बताती हूँ, थोड़े से और हैं वो गैस कांस्टेंट के साथ होंगे. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बारी आ जाती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसा चलने वाला. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना सबसे बड़ा आपके साथ धोखा होता है, आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होता है एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, एम का मतलब यहाँ रिड्यूस्ड मास होता है,
और जो आपको रिड्यूस्ड मास यूज करना होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले मास के लिए आप लिखते हो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, इसकी यूनिट यही बन रही है, इसकी यूनिट यही बन रही है। पर एग्जामिनर पता है क्या करके देता है, एग्जामिनर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के पीछे लिख के देता है जूल सेकंड स्क्वेयर। सबसे बड़ा धोखा ही होता है, क्या लिख के देता है, जूल सेकंड स्क्वेयर। आप कहेंगे कि हमारे पास तो ऐसा था ही नहीं, हमारी यूनिट तो ये थी। वो करता पता है क्या, देखो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर है, वो क्या करेगा, अपने पास से क्या करेगा, सेकंड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया और सेकंड स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, अपने आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब इतना पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या बन गया बच्चे, बन गया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर सेकंड, ऐसे क्लियर, और ये वाला सेकंड स्क्वेयर ऐसे चल ही रहा है आपका। ये चीजें होती हैं। और अभी आप मिलकर आए हो कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर सेकंड सेकंड स्क्वेयर इनवर्स किसके इक्वल है, 1 जूल के, तो ये वाला पोर्शन तो किसके इक्वल है, 1 जूल के। आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 जूल सेकंड स्क्वेयर। तो ये यूनिट ऐसे बनी है मोमेंटम की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट आपको ऐसे बनानी पड़ी है, बनानी पड़ी है, वो जूल में से खुद करना पड़ा। दूसरा प्रॉब्लम आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रिड्यूस्ड मास की। रिड्यूस्ड मास में मैंने आपको वैसे बता दिया है कि आप यहाँ फॉर्मूला लगाते हो m1 plus m2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, आपको ग्राम में लेना होता है, ग्राम मोल इनवर्स, आपको ग्राम मोल इनवर्स में चाहिए होता है। और आप जो मास हो, जैसे मेरे को ऑक्सीजन की बात करनी है, तो वो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है आपका, 16 AMU में होता है। तो बस कुछ नहीं करना, AMU वाले को कन्वर्ट करना कैसे है, मैंने आपको बताया AMU वाले को कैसे कन्वर्ट करना है मास की यूनिट कन्वर्जन में, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम के लिए। और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर ग्राम दे रखा था ना मैंने, तो 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के लिए कर लेना। वेरी इजी, दिस इज वेरी वेरी इजी बच्चा, क्योंकि इससे क्या होगा आपका मोलिंग, ये आता है यूनिट, ये आपको मैं, अगर आप टाइम नहीं है अभी, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ ये 1.66 आया कैसे है। देखिए आपके पास जो भी यहाँ पर, जैसे 16 था आपका नंबर, ये मास ऑफ ऑक्सीजन था, क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करना है, ग्राम में चाहिए मेरे को, तो ग्राम के लिए मैंने किलोग्राम ऐसे कर दिया, अरे क्या कर दिया ये, एक सेकेंड, 10⁻³ होगा ना, 1 किलोग्राम को नहीं करने, मेरे को ग्राम में चाहिए आंसर, तो 10⁻³ हो गया, ठीक है, 10⁻³ किलोग्राम मोल इनवर्स हो रहा है। और मोल को कैसे कैंसिल होता है, मोल को सिर्फ अवगैड्रो कर सकता है, मोल को इस दुनिया में खत्म करने के लिए अवगैड्रो नंबर है, तो अवगैड्रो नंबर आ गया, अवगैड्रो नंबर आ गया, तो अवगैड्रो नंबर क्या करेगा, मोल इनवर्स होता है उसके पीछे, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल। इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16 × 1.66 × 10⁻⁴, अगर आप किलोग्राम में कर रहे थे तो −27 किलोग्राम आपका आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए आपको कहा है कि रिड्यूस्ड मास में हमेशा जो भी आपका मास ऑफ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वट एवर कुछ भी है, आपको क्या करना होगा बच्चे, उसको AMU में, वो AMU में दे रखा होगा, उसको ग्राम में या किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, ये आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक आप समझ में आ गया, कि जूल सेकंड स्क्वायर इस तरह से यूनिट बनाते हैं। उसके बाद इसकी फोर्स कांस्टेंट की भी बनाई जाएगी। देखो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स को आप ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। हालांकि हम अगर कंप्रेशन, वो क्या कहते हो आप उसे, हुक्स लॉ की बात करते हो, तो हुक्स लॉ में क्या आ जाता है, −kkx आ जाता है। और k क्या होता है आपका, फोर्स कांस्टेंट, k इज योर फोर्स कांस्टेंट, और k की वैल्यू निकालूंगी तो क्या बनेगा, फोर्स बाय x बन जाएगा। k की वैल्यू निकालूंगी तो क्या बन जाएगा, फोर्स बाय x। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और x की क्या हो जाएगी, मीटर, बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस। तो फोर्स कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाती है। अब न्यूटन मीटर इनवर्स को और कैसे लिखेगा वो, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर इनवर्स। तो मेरे पास कभी कभी फोर्स कांस्टेंट की जगह वो दे देता है 1, देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर दे देता है। ये भी कभी कभी आपको फोर्स कांस्टेंट की यूनिट देखने को एग्जाम में मिल सकती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कैसे काम करना है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा गैस कांस्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो गैस कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आर से रिप्रेजेंट होगा गैस कांस्टेंट, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने गैस कांस्टेंट, क्योंकि दीज आर द कांस्टेंट। और सबको याद है, हर बच्चे से बच्चे को याद होता है कि 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये सबको याद रहता है, जूल वाला सबको याद रहता है। कभी भी जूल की बात आएगी तो जूल के लिए आप क्या करेंगे, 8.314 वाला, ठीक है, आप क्या करने वाले हो, 8.314 वाला करेंगे यहाँ पर, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्लियर। इसके बाद अब जितने भी यूनिट कन्वर्जन आएंगे ना, उससे पहले आप छोटा सा ये वाला एक पॉइंट और देखें। अगर मेरे को जूल की बजाय उसने क्या कर दिया, उसने काम किया कहा हमें कि किलो पास्कल में बताएं आप, किलो पास्कल में, तो किलो पास्कल के लिए आप इसमें करेंगे मैं पहले 8.314 सारे यहाँ लिखूंगी, 8.31 किलो पास्कल लीटर आ जाएगा,
अच्छा, और इसको 8.314 में क्या आ सकता है? 8.314 किलो को पास्कल में चेंज कर दूं तो 10 की पावर 3 पास्कल आ सकता है, लीटर आ सकता है, अरे पूरा तो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये पूरा लिख लिया करो, लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये कुछ 8.314 वाले आपके यूनिट कन्वर्जन हो गए। ठीक है, ये तो मैंने आर के यूनिट लिट वाले लिखे। अब कुछ होते हैं हमारे पास जीरो पॉइंट में, कि कभी कभी जीरो पॉइंट भी पुट करना पड़ता है, तो पहले उनको लिख लो। 0.0821 करना पड़ता है। 821 कब करोगे? जब आप लीटर लोगे, एटमोसफेयर लोगे, साथ में आप केल्विन इनवर्स लोगे और मोल इनवर्स लोगे। बताऊंगी ये आया कैसे। आप 0.08314 पुट कर सकते हो कब? अगर आप लीटर लेते हो, आप बार लेते हो, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स तो हमेशा ही रहेंगे, ऐसा भी आप पुट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो आप इसको जीरो पॉइंट वाले को? वो यहीं से बनेगा वैसे तो, वो पास्कल से ही बनता है। कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, ये 10 की पावर 3 है, इसको 2 जीरोस इससे डिवाइड करूँ, 100 से डिवाइड करती हूँ, तो 0.08314 × 10 की पावर 5 पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर, ये मेरे पास इसका यूनिट कन्वर्जन बन सकता है। और एक लास्ट मेरा यूनिट कन्वर्जन बनता है कि आर कितने कैलोरीज में, अगर कैलोरीज में है तो आप पुट करेंगे 2, 1.98 करते हैं, आप कैलोरी को 2 भी पुट कर सकते हैं, 1.98 अप्रॉक्सीमेटली होता है। अब इनको लर्न करना सबसे टिपिकल काम होता है बच्चों के लिए। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ जूल लिख रखा है, दिस इज योर जूल। यहाँ क्या अलग चीज़ है? पास्कल, किलो पास्कल है, खैर किलो पास्कल। यहाँ क्या है? पास्कल, यहाँ भी पास्कल। बाकी देखो, इसमें एक लीटर नहीं है, सिर्फ इस वाले में लीटर नहीं होता है, बाकी सब में लीटर होता है। इसमें क्या फर्क है? एटमोसफेयर और इसमें बार। तो वो तो आपको मैं मिलवाकर आई थी कि एक एटमोसफेयर अप्रोक्सीमेटली एक बार के इक्वल होता है, पर अगर आप स्टैंडर्डली देखना चाहते हैं तो वो एग्जैक्ट होता है 1 एटमोसफेयर 1.0325 बार के इक्वल होता है, वो इतने बार के इक्वल होता है, तो इसीलिए इनमें इतना सा फर्क आता है 0 पॉइंट। तो आप इनको देख सकते हैं कि एटमोसफेयर और बार का कैसे बना होगा, एटमोसफेयर और बार का ऐसे बना है, लीटर तो इसके अंदर भी है। बाकी अगर पास्कल लेना है तो वो भी आपको पता है, ये वाले कैसे बने हैं, इधर वाला पोर्शन आपका कैसे बना है, ये सारा का सारा पोर्शन आपका कैसे बना है, क्योंकि आपको पता है एक एटमोसफेयर किसके इक्वल होता है बच्चे, 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसने कुछ नहीं किया, एक एटमोसफेयर है ना, इसने एटमोसफेयर की जगह पास्कल लिखने की कोशिश की, अगर पास्कल लिखेगा तो 10 की पावर 5 भी आएगा, तो इसने किलो लिख दिया उसकी जगह, क्योंकि 8.314 था। ठीक है, दूसरी बात, पास्कल के लिए किलो की जगह 10 की पावर 3 हटा दिया, पास्कल के लिए अगर और लिखना है तो 10 की पावर 5 लिख दो आप। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इन्हें सीख सकते हैं। सिर्फ एक ये याद रखना होता है इसमें कि जूल वाला जो होता है ना, जूल वाले में कभी लीटर नहीं आता, नेवर लीटर, जूल के साथ कभी भी नेवर लीटर आएगा, लीटर नहीं आता। लीटर अगर कहीं भी आ रहा है तो समझ जाइएगा एटमोसफेयर और बार है, तो उनमें तो ऑब्वियसली 0.0 जाएगा, बाकी सबका आंसर ही आएगा। अब कभी कभी एग्जामिनर अब कैसे काम करने लग गया, देखिए अब मेरे बात सीखिए, उसने मेरे को कहा कि 1 लीटर बार है उसको कन्वर्ट करके दिखाओ कितने जूल में। सबसे इंपॉर्टेंट बातें जब आपको दिक्कत आती है एग्जाम में, लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको लीटर बार बारा दे रखा है, आप जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसने सारा क्वेश्चन लीटर बार में दे दिया और आंसर कह रहा है जूल में निकालिए, तो आप लीटर बार बारा ढूंढे, लीटर जो बार वाला है वो है कहाँ पे है, वेर इज द लीटर बार, ये रहा लीटर बार, दिस इज द लीटर बार, और जूल वाला कहाँ पर है, ये रहा जूल वाला, ये जूल वाला है वो लीटर वाला है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप ऐसे लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे कि लीटर बार में 0.08314, ये है ना लीटर बार वाला, वो मैंने लिख दिया, और इधर कौन है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल वाला इधर लिख देना, 8.314 जूल वाला इधर लिख देना। निकालना कौन सा था, मतलब फिर आप इसे क्या करेंगे, मुझे 1 लीटर बार के लिए काम करना है, तो 1 लीटर बार के लिए आप क्या करेंगे, 10 के लिए करना है तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, जो भी इनको 8 यूनिटरी मेथड, ये ऊपर और इधर वाला फैक्टर इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 10 लीटर कहता तो 10, अभी 1 कहा है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपली आपको ये करना है, सिंपल आप यहाँ पर ये वाला सिस्टम लगाएंगे। इसी का एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ आपको मैं, इतने इतने एरिया में करा देती हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा होगा आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, तो फिर अगर मैंने रब कर दिया ना आपको दिक्कत आ जाएगी, स्क्रीनशॉट में मिलेगी नहीं वो चीज। चलिए अब देखिए, और भी ना इस लाइन को ऐसे कर लो, ये सारी रब ना कर दे, ओहो सारा तो नहीं हुआ रब, ठीक है चलो अब एक और देख लेते हैं करके। जैसे हमसे कहा गया कि 2 लीटर बार है इस बार,
2 लीटर बार को कन्वर्ट करके दिखाओ लीटर एटम में। तो आप देखो लीटर बार वाला कहाँ है, ये रहा, तो इधर लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे 0.08314। और लीटर एटम वाला कहाँ पे, लीटर एटम वाला ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर वाला लिख दे, उसके सामने लिख दो 0.0821। कितना है, 2 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली चीज ऊपर रहेगी हमेशा 0.0821, डिवाइड बाय नीचे ही आ जाएगा 0.0, जैसे मैं छोटे बच्चों को सिखाते हैं, इंटू 2 कर देना, हो गया आपका, किस में आंसर आ जाएगा, लीटर एटमोसफेयर में, क्योंकि कभी प्रेशर अगर एटमोसफेयर में दे रखा होगा तो ऐसे कर लेना। इनको याद नहीं करना, इनको सॉल्व करना है बैठ के, कभी यूनिट कन्वर्जन को याद नहीं करते, उसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से बैठकर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। कितना आसान काम है, देखो इसे सॉल्व करोगे ना, इसे सॉल्व करोगे तो कितनी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करो, आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, लिखते लिखते आपको याद भी हो गया होगा। अब मोल कंसेप्ट की बारी आती है बच्चों, मैं मोल कंसेप्ट का आपको बताती हूँ, मैं पूरी सीरीज लेकर आ रही हूँ अपने यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आपको मोल कंसेप्ट की सीरीज मिलेगी और चैनल का नाम होगा रानी केमिस्ट्री एम्पायर पर। 8 दिन में वहाँ मोल कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, रानी केमिस्ट्री एम्पायर पर आपको पूरा 8 दिन की सीरीज होगी, जिसके अंदर एक एक छोटे से छोटा पॉइंट डिस्कस होगा रानी केमिस्ट्री एम्पायर का। और अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो मैंने पढ़ा दिया होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मोल कंसेप्ट की क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा। अभी तो मेरा मैंने पढ़ाया नहीं तो मिलेगा नहीं, पर बहुत जल्द आपको पढ़ाने वाली हूँ इस मंथ में, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी मोल कंसेप्ट की सीरीज का। तो मोल कंसेप्ट आप वहीं सीखेंगे, क्योंकि अपने आप में 1 आवर का लेक्चर होंगे इसके, 8 दिन में लगातार पढ़ाऊंगी आपको मोल कंसेप्ट। फिर टाइम का आता है, देखो टाइम में तो सबको पता होना चाहिए, टाइम का कहाँ होता है, फाराडे लॉ में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइम का क्या होता है कि आपको पता होगा, 1 आवर में क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं वहाँ पर भी। और आपको ये भी पता होगा कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आपके पास अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हो गए, इन यूनिट्स को कन्वर्जन करना आना चाहिए, बेसिक तो यही है। और सबसे छोटी यूनिट सेकंड में ही आपको काम करना होता है। हाँ, वो कभी कभी दे देता है मिली सेकेंड लिख देता है, मिली सेकेंड ऐसे MS छोटा लिख रखा, कहता है मिली सेकेंड है, तो 10^-3 सेकेंड कर देना। उसने कहा मेगा सेकेंड्स है, तो 10^6 सेकेंड कर देना। जैसा वो कहेगा उसको वैसे इस्तेमाल करना है, इसीलिए लेंथ का यूनिट कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो मैंने आपको सबसे पहले लिस्ट दी है, उन लिस्ट ऑफ कांस्टेंट को अपनी नोटबुक के पहले पेज पे लिख लेना। आपको हर कांस्टेंट ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए, और कैसे याद होना चाहिए, उसकी यूनिट के साथ, उसके पीछे जो यूनिट लिख रखी है उसके साथ आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको 1 मिनट बताना चाहूँगी कहाँ है हमारे कॉन्स्टेंट्स। सो द कॉन्स्टेंट यूनिट इज ये है आपके कॉन्स्टेंट, ये आपके कांस्टेंट है, ये आपको यूनिट के साथ याद होने चाहिए। जैसे अवगैड्रो नंबर, AMU, अभी अभी आप मिलकर आए हो, आपने बनाया है इसको, स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, हालांकि एग्जामिनर देता है फिर भी याद रखना चाहिए। बोहर रेडियस और रिडबर्ग कांस्टेंट याद होना चाहिए। ये तो आपका गैस कांस्टेंट है, इसको तो मैं मिलवा कर ही आ गई हूँ आपको, अभी मिलवाया ना इन सबसे, ये सबसे मिलवाया है ना, लीटर ये मिली आ गया, देखो कुछ नहीं किया इसने, बार के लिए मिली कर दिया, बस बार के लिए मिली कर दिया तो खत्म कर दिया वो 10^ वाला सिस्टम, 0 पॉइंट वाला। MMOFHG के लिए आप ये काम करेंगे, इसमें MOFHG के लिए 62, क्योंकि टोर में होता है ना वहाँ पे, हालांकि इसका यूज़ नहीं होता, बहुत कम होगा, मैंने आज तक अभी देखा नहीं, वैसे एक बार देखा था बस न्यूमेरिकल में MM वाला, तो इतना भी नहीं है। तो मैंने आपको सारे यूनिट कन्वर्जन मिलवा दिया है आपको, टेम्परेचर का, लेंथ का, एरिया का, मास, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, मोल कंसेप्ट, टाइम, सभी कांस्टेंट। अब सिर्फ आपका एक काम रहता है, ओनली आपका एक काम है, वो काम ये है, आपको जिंदगी में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कभी भी जिंदगी में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते जैसे आपको यूज़ करना है E=hν, आप यूज करना चाहते हैं E=hμ, आपको पता है एनर्जी का यूनिट जूल है, तो आप वहां अगर उसने 17 लिख रखा है तो आप पीछे जूल लिखो। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट आपको पता है जूल पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी का आपको यूनिट पता है सेकंड है, तो आप अपने आप को फॉर्मूले बनाने भी आ जाते हैं। तो हमेशा न्यूमेरिकल में, आज के बाद अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, और इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो हमेशा हमेशा आप न्यूमेरिकल पर मेरी यूनिट कन्वर्जन्स को लगाकर देखिएगा। और बाकी आपका काम है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने पास हमेशा सेव रखना। लाइक से क्या होता है,
लाइक से आपकी लाइक वाली प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी, आपको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई एक मैडम पढ़ा रही थी यूनिट कन्वर्जन पर पता नहीं कहाँ चली गई है वीडियो, तो लाइक होगी तो आपको लाइक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दूसरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको बहुत मिलने वाली है मेरे चैनल पर, अलियम केमिस्ट्री चैनल पर। और तीसरी बात, अगर आपको अच्छी लगी है, आप भलाई का काम कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। शेयर के लिए शेयर का बटन इसमें आता है कुछ इस तरह से, तो वहाँ से अपने सभी फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन की, ठीक है। सो अब लास्ट में, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर भी कर दिया है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अलियम केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत डिटेल में समझा सकूं, कि उसे याद नहीं करते, उसे डराइव करते हैं। आई होप मैंने उस काम को किया है अपने तरीके से, और अगर आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।